जील रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच पंचवटी में ओपन हुई थी, एक फीट ओपन, और जील रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच 100 फीट डाउन जो पूरी तरह से वृद्ध लोगों के लिए और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। पंचवटी वाली रेस्टोरेंट सभी लोगों के फैमिली और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, और 100 फीट लाउंज एक कैजुअल डाइनिंग है जो आपकी डांस पार्टीज के लिए और आपके छोटे छोटे पार्टीज मीटिंग्स और उसके लिए बनाई गई है। 100 फीट लाउंज के अंदर आपका जो फूड यंगस्टर और जो यूथ लोग पसंद करते हैं उसके हिसाब से चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, मैक्सिकन, सारी इंटरनेशनल क्यूजीन की डिशेज आपको यहाँ पे मिलेगी। और जैसा कि हमारी पहली रेस्टोरेंट भी एक प्योर वेज रेस्टोरेंट थी, जील 100 फीट लाउंज भी एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सारे सफाई, नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक के स्टैंडर्ड वही जो जील की पंचवटी वाली रेस्टोरेंट में है, उसी तरह से किचन कॉन्सेप्ट, हाइजीन स्टैंडर्ड सबको उसी लेवल पे मेंटेन करके एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हमने एक और ट्राई किया है जो उदयपुर में हमें लगा कि एक तरह की कमी है। बट नेचुरल एक रेस्टोरेंट अगर बोला जाए तो उसका टेस्ट तो हमेशा होना ही चाहिए अच्छा। हमारे जो शेफ लोग जो है पंचवटी के अंदर, हमारी जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर हमने, हमारे जो एग्जीक्यूटिव शेफ है वो संजीव कपूर के साथ काम की थी। इस रेस्टोरेंट के लिए जो शेफ की टीम है उनको पार्क प्लाजा, क्लब महिंद्रा और येलो चिली संजीव कपूर के वेंचर के साथ उन लोगों ने काम किया। तो एक हो सकता है आप लोगों को सबको टेस्ट पसंद आए, ऑथेंटिक प्रिपरेशन इन लोगों के द्वारा आपको दी गई है। बल्टी इंटरनेशनल क्यूजिन लगे हैं आपको, चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन इस तरह की फूड्स मिलेंगे। इसकी प्राइसेस यंगस्टर के लिए डेडिकेटेड ये रेस्टोरेंट है तो इसकी प्राइसेस भी उसी हिसाब से आपके पॉकेट साइज के हिसाब से कम है। बड़े रेस्टोरेंट के अंदर 30-40 लोगों के लिए बहुत भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो अपने एक छोटी सी रेस्टोरेंट बना दी जिसका कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि 30-40-50 लोगों की छोटी पार्टीज है और उनको अगर साउंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो अपने साउंड सिस्टम उनके लिए इनपिट हमेशा के लिए लगा दिया है। तो लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए फूड अरेंज करना, फिर उसके बाद उसके लिए साउंड सिस्टम भी अरेंज करना, तो सारी सुविधाएं हमको एक ही छत के नीचे इनबिल्ट कर दी है।